तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ट्राई टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही रिचार्जेबल पिचकारी बनाने वाले हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हमने सारी जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर हमने पीवीसी पाइप का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। तो जिसकी लेंथ आप देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये आपको मार्केट में 25 से 30 रुपये पर फीट मिल जाएगा ये जो पाइप है। और हमने दो गोल गोल पीसेज ले लिया है, जो कि एक ट्यूब का पीस है, जो साइकिल का ट्यूब होता है उसका, और दूसरा प्लास्टिक का सीट है। तो जो ट्यूब वाला पीस है, पहले उसको हमको चिपका देना है फेविक्विक से पाइप की किसी भी साइड पर। और आपको ध्यान रहे कि हमको इसको बिल्कुल वाटर प्रूफ बनाना है, इसमें से थोड़ा सा भी पानी गिरना नहीं चाहिए। जो हमारा प्लास्टिक वाला सीट है उसमें से पहले एक होल कर देंगे छोटा सा। और यहाँ पर हमने एक वाटर पंप ले लिया, जो कि वाटर प्रूफ वाटर पंप है, जो कि पानी में डालने से ख़राब नहीं होगा। इसका जो जहाँ से पानी फेंकता है ना, वहाँ का आप नोब देख सकते हो शाफ्ट, उसको हमने किस टाइप से मोड़ दिया है। तो इस प्रकार से पहले आपको कर लेना है यहाँ पर। फिर जो हमारा ये देख सकते हो, जो मैंने सीट लिया था उसमें जो होल किया था, उस होल में इस जो कि मोटर शाफ्ट को चिपका देना है यहाँ पर। फिर जो हमारा पाइप, उसमें हमको एक छोटा सा होल कर लेना है पतला सा। इस होल में से जो हमारा वाटर पंप का वायर है ना, उसको हमको बाहर निकालना है। तो छोटा सा होल करके जो वाटर पंप का तार है, इसमें से डाल करके निकाल लेंगे बाहर। तो अगर दोस्तों यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोग वीडियोज़ देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिए अपने छोटे भाई के लिए। हमको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार से हमने इसको भी चिपका दिया है। जो हमारा तार हमने वाटर पंप का निकाला था, वहाँ पर हम ग्लूगन अच्छे से लगा देंगे, ताकि हम इसको भी वाटर प्रूफ बना दें। इसमें से थोड़ा सा भी पानी लीक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर चिपकाना है। हमने यहाँ पर एक हैंडल भी काट लिया, जो कि पीवीसी पाइप का ही हमने बनाया है। यहाँ पर दो लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में जोड़ लिया है। तो सीरीज में तो आप जानते होंगे कि हमने इसको लगभग 7 वोल्ट का बना दिया है, जिससे कि जो हमारा वाटर पंप है काफ़ी स्पीड से वर्क करेगा और उसका प्रेशर भी काफ़ी दूर तक जाएगा। अब इसके करेक्शन करते हैं। तो हमारा बैटरी का माइनस है, हमने होल करके बाहर साइड निकाल दिया है, क्योंकि हम इसमें बटन लगाने वाले हैं। तो हम इसमें कोई सा भी चार्जिंग मॉड्यूल अभी नहीं लगा रहे हैं। जो वाटर पंप का प्लस है, बैटरी प्लस में जोड़ देंगे। और जो वाटर पंप का माइनस है, उसको भी हम स्विच के लिए, बटन में जोड़ने के लिए बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हमने दो ब्लैक ब्लैक वायर, तो बटन को भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो काफ़ी ईजी वायरिंग है इसकी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हो इसको। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस हैंडल को भी यहाँ पर चिपका देंगे फेविक्विक से, बिल्कुल अच्छे से फेविक्विक से चिपकाना है आपको। अगर थोड़ा सा भी आप फेविक्विक लगाने में कंजूसी करोगे तो आपका ये उतना अच्छा नहीं बन पाएगा मजबूत। तो बिल्कुल अच्छे से चिपकाना, ताकि आप इसको लंबे समय तक प्रयोग में ला सको। तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से हमारा बैटरी नीचे साइड से दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम छोटा सा प्लास्टिक का सीट लगा देंगे। और हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी आती है कि हम इसमें पानी कैसे भरेंगे, तो उसका भी एक जुगाड़ यहाँ पर चलिए बना लेते हैं। तो पहले जो हमारा पाइप है, उसमें पहले बाद में कुछ करेंगे, पहले यहाँ पर हमने एक बॉटल ले लिया है। बॉटल जो आगे वाला भाग होता है ना, ढक्कन नीचे तक, उसको काट लेना है। और जो हमारा पाइप है, उसमें एक होल कर लेंगे बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, कैसी से आसानी से प्लास्टिक में होल हो जाता है। तो इस टाइप से पहले आपको होल कर लेना है। और जो हमारा हमने टुकड़ा काटा था ना बॉटल में से, उसको इसके ऊपर चिपका देना है। इस प्रकार से अच्छे से ग्लूगन से चिपका देना है, थोड़ा सा भी इसमें से भी लीकेज नहीं रहना चाहिए। पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो शुरुआत में तो आपने टेस्टिंग देख ली है, लेकिन फिर से आप दोबारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रेशर है इसका। अब इसमें जितना पावरफुल वाटर पंप लगाओगे, ये उतना ही अच्छा वर्क करेगा। इसका प्रेशर भी काफ़ी लंबे दूर तक जा सकता है। धन्यवाद।